मध्य प्रदेश के खरगोन में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन होम आइसोलेशन में घर से चला रहे जिला अस्पताल, लोगों से घरों में रहने की अपील। जिला अस्पताल में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन। डीएम ने घर से निकलने पर लगाया प्रतिबंध। दोपहर में केवल 1 से 3 बजे तक केवल जरूरी सामग्री खरीदने की छूट रहेगी। जिले में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत किसी को भी घर से निकलने पर लगाया है प्रतिबंध। केवल दोपहर में 1 से 3 तक जरूरी सामग्री खरीदने की छूट रहेगी। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन को सर्दी खांसी होने पर डॉक्टर ने खुद को रखा होम आइसोलेशन में। जिला अस्पताल में फंगिंग मशीन से किया धुआं, सैनिटाइजर से किया साफ। जिले में अब तक 51 नागरिक विदेश से आए हैं, सभी की स्क्रीनिंग के बाद होम आइसोलेशन में रखा। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र जोशी का कहना है कि वे लोग बाहर से आ रहे हैं, उनकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। जनता कर्फ्यू के दौरान कई लोग शाम को रैली और भीड़ के रूप में बाहर आ गए। इस तरह की लापरवाही को हमको बड़ी निराशा है। जनता कर्फ्यू का मतलब हमें घर में ही रहकर स्वयं को आइसोलेट करना है। मैंने अपने स्वयं का बताता हूँ कि मुझे हल्का बुखार आया, सर्दी खांसी हो गई, इसलिए मैंने खुद को होम आइसोलेशन में रख लिया। मैं यहीं से हॉस्पिटल संचालित कर रहा था। मैं चाहता तो किसी को बताए बगैर बाहर काम करता रहता। मेरी जनता से अपील है कि वे किसी भी चीज़ को अन्यथा ना ले। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या तैयारी? कोरोना को देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पब्लिक में जागरूकता बढ़ी। जो भी लोग बाहर से आए हैं वो तो सप्ताह हमारे यहाँ पे जांच के लिए आ रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारी जांच की जाए कि हमें कोरोना से। और एक वर्ग ऐसा है कि जो मतलब कोरोना में जनता कर्फ्यू को देखने के लिए बाहर निकल रहा है और अव्यवस्था फैला रहा है, तो उससे हम लोगों में बड़ी निराशा है कि जनता कर्फ्यू का मतलब ये था कि हमें घर में रहकर अपने आप को आइसोलेट करना है और इस बीमारी को जो तीसरे चरण में प्रवेश न करे, जहाँ पे सारी जगह इन्फेक्ट हो जाए और फिर मरीज की ज़रूरत न पड़े और किसी भी वस्तु को टच करने से आपको इन्फेक्शन हो सके, उसको रोकने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। जनता कर्फ्यू में भी सबसे बड़ी बुरी बात मुझे देखने में ही आई कि लोगों ने घर में तालियां न बजा के जुलूस निकाला और इकट्ठे होकर तालियां बजाई। ये तो एक तरह से मतलब जनता कर्फ्यू का उल्लंघन है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, आपस में दूरियां बढ़ानी है और अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि ये बीमारी जो है इसमें साधारण सा हम अपनी दूरी बढ़ा लें, अपने हाथ धोएं, लोगों से मिलना जुलना कम कर दें, इसी में बीमारी कंट्रोल में। सर, मैं अपना स्वयं का बता देता हूँ कि मुझे कल बुखार आया, गले में दर्द हुआ, खांसी आई। मैंने स्वयं अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आज मैं घर पे हूँ और मैं घर से अस्पताल चला रहा हूँ, घर से अस्पताल चला रहा हूँ। तो मैं जब अपने आप पे खुद पे लागू करता हूँ तो मेरी जनता से यही अपील है कि किसी चीज़ को अन्यथा न लें। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। डॉक्टर और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। हम सब अगर मिलकर आगे बढ़ेंगे, जैसे मीडिया है, पत्रकार हैं, रेवेन्यू विभाग है, पुलिस है और अपना स्वास्थ्य विभाग है, ये तो काम कर ही रहा है, पर हमें सबसे ज़्यादा सहयोग जनता का चाहिए। अगर जनता का सहयोग मिल गया तो हम 15 दिन में ही इस बीमारी को पिछाड़ देंगे। सर, वेंटिलेटर अपने यहाँ कितने हैं? सर, प्राइवेट 2 वेंटिलेटर हैं अपने यहाँ और दोनों ICU में लगे हुए हैं। अभी तक तो अभी अपने यहाँ कोरोना का कोई मतलब मरीज एडमिट नहीं हुआ है। निमोनिया के 3 मरीज भर्ती हुए थे अपने यहाँ, जिसमें से 2 को डिस्चार्ज कर दिया है। 1 की स्थिति में सुधार है तो उसका इलाज चल रहा है और एक मरीज की स्थिति निमोनिया की गंभीर थी तो उसको इंदौर रेफर कर दिया गया। सर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर हैं? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 जगह वेंटिलेटर हैं और शासन का ऐसा मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मतलब उनकी भी सुविधाएं अवश्य रूप से देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।